हे एवरीवन, आज मैं अपने चैनल फूड अपडेट्स पर बनाने वाली हूँ गुड़ वाली खीर। गुड़ वाली खीर मीठा पसंद करने वालों के लिए एक हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इस वीडियो में मैं ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे गुड़ की खीर कभी नहीं फटेगी। ऐसे कई मज़ेदार रेसिपीज और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें, और अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगे तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे आपको मेरे अपकमिंग रेसिपीज की नोटिफिकेशन आती रहेगी और मुझे आपके साथ रेसिपीज शेयर करने में मोटिवेशन भी मिलती रहेगी। तो चलिए बनाते हैं गुड़ की खीर। इसके लिए हमें चाहिए चावल 1/4 कप, दूध 4 कप या 1 लीटर, गुड़ या गुड़ का पाउडर 3/4 कप, हरी इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून, ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने लिया है कुछ काजू और कुछ किशमिश, पानी 1/2 कप और घी 1/2 से 1 टीस्पून। तो सबसे पहले गुड़ वाली खीर बनाने के लिए एक नॉनस्टिक कढ़ाई में 1 लीटर दूध ले और इसे बॉईल कर ले। एक बॉईल आने पर गैस का फ्लेम लो कर ले और डाले 1/4 कप चावल। चावल को पानी से अच्छे से वॉश कर मैंने इसे 30 मिनट के लिए भिगो कर रख लिया था। चावल को 30 मिनट पानी में भिगोने से चावल जल्दी कुक होती है। चावल और दूध को लो फ्लेम पर ओकेशनली चलाते हुए 15 से 20 मिनट के लिए कुक करें। ऐसा करने से चावल टूटने लगेगी और खीर गाढ़ी बनेगी। जब तक चावल और दूध एक साथ पक रहे हैं, तब तक चलिए रेडी करते हैं खीर में डालने के लिए गुड़ का सिरप। तो एक पैन ले और इसमें डाले 3/4 कप गुड़ या गुड़ का पाउडर। मैं गुड़ का पाउडर यूज कर रही हूँ, और साथ में डाले 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी। लो फ्लेम पर इसे तब तक चलाएं जब तक गुड़ पानी के साथ अच्छे से डाइल्यूट ना हो जाए। गुड़ वाली खीर में अगर आप डायरेक्टली गुड़ या गुड़ का पाउडर डालते हैं तो ऐसा करने से खीर फट जाएगी। तो जब भी गुड़ वाली खीर बनाए, गुड़ को थोड़े से पानी के साथ मिक्स कर ही गुड़ का यूज करें। आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से पानी में घुल चुकी है। अब गैस ऑफ कर ले और इसे पूरी तरह से ठंडा कर ले। थोड़े थोड़े इंटरवल्स में खीर को भी चलाते रहे। आप देख सकते हैं चावल अच्छे से दूध के साथ पककर घुल चुकी है। अब डाले 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर और अच्छे से इसे मिक्स कर ले। साइमल्टेनियसली थोड़ा काजू और किशमिश भी घी में सौटे कर लेते हैं। पैन में ले 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून घी और डाले थोड़े काजू और किशमिश और इसे कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर ले। अब चलिए खीर को बनाते हैं थोड़ा मीठा। तो आप देख सकते हैं चावल और दूध अच्छे से कुक हो चुकी है और थोड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। अब गैस का फ्लेम बंद कर ले और खीर के थोड़ा ठंडा होने पर डाले गुड़ का सिरप। ध्यान रखे, गुड़ का सिरप और खीर दोनों ही नॉर्मल या फिर ठंडी होनी चाहिए, तभी आपकी गुड़ वाली खीर नहीं फटेगी। गुड़ और खीर को अच्छे से मिला ले और लास्ट में डाले ड्राई फ्रूट्स और इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले। और ये लीजिए, बन गई गुड़ वाली खीर। इसे एक बोल में निकाले और गर्मा गर्म या ठंडा खाइए और खिलाइए गुड़ वाली खीर। अगर आपको मेरी गुड़ वाली खीर की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल फूड अपडेट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।